दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ता के गौशाला में 300 गायों की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस भाजपा सरकार को मान रही है। इसके लिए जगह जगह बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज 30 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगभग 500 गायों को सीएम हाउस के सामने छोड़ने का मन बनाई है। लगातार गाय पकड़े जा रहे हैं और कई जगह पे रखे गए हैं। इसको देखते हुए कलेक्टर रायपुर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लगातार तैयारी में है कि भले गिरफ्तारी हो या ना हो, हम सीएम हाउस के सामने गायों को छोड़ के मानेंगे। हम अभी खड़े हैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के घर में। यहाँ भी छुपा करके कुछ गाय रखी गई हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें छोटी गायों से लेकर के बड़ी गाय तक है भी हैं। और यहाँ से छाया वर्मा के नेतृत्व में ये यहाँ से गाय ले जाई जाएंगी और छोड़ी जाएंगी। ये छाया वर्मा गुड़ियारी जो ब्लॉक है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पीसीसी अध्यक्ष सीधे काली मंदिर पर ही पहुँचेंगे। ढेर सारी पुलिस का इंतजाम है और जगह जगह पे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं कि कांग्रेसियों को गाय न मिलने पाए। नगर निगम को भी सचेत कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी 500 का टारगेट लेकर के कांग्रेस चली हुई थी कि हमें 500 गायों को छोड़ना ही है उसके पास में। इसके अलग अलग उन्होंने छुपा करके रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बताई जा रही हैं कि शहर के आउटर में भी रखी गई हैं। कुछ गायें कांग्रेस भवन के सामने भी हैं। यहाँ पे 10 की संख्या लगभग में, हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 10 की संख्या में भूपेश बघेल के घर में भी गाय रखी गई हैं। अभी जमावड़ा शुरू हो चुका है नेताओं का। यहाँ पर कुछ नेता बैठे भी हुए हैं, कुछ अलग का इंतजार भी किया जा रहा है कार्यक्रम की। उसके हर एक गाय के ऊपर में गाय रक्षा का लगाया जाएगा, स्लोगन लगाया जाएगा, फ्लैक्स बनवाए गए हैं लगभग, तो उसको लेकर के यहाँ पर सक्रियता चालू है। हम अभी पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल जी के घर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ गाय रखी हुई हैं। यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं छाया वर्मा जो गुड़ियारी मंडल है। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि क्या इनकी तैयारी है। पुलिस लगातार धारा 140 लागू कर दी गई है वहाँ पर। छाया वर्मा जी, कितनी गाय छोड़ने का टारगेट है आप लोग? देखिए, टारगेट की बात छोड़िए आप, टारगेट तो बहुत का है और बहुत का नहीं भी है। हम सवेरे से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भ्रष्ट सरकार, गौ माता बोल के हजारों करोड़ों रुपए का घपला किया है उन्होंने। और गौ माता को भूखा खाना तो कहीं जाए, उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ गौशाला में, और गौशाला के नाम से खूब पैसा उन लोग खाए। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गौ माता को सीएम हाउस में छोड़ने का उनके आदेश के अनुसार हम सवेरे से लगे हुए हैं। सवेरे हम विधानसभा भवन के पास गए थे। मोआ सड्डू सब जगह से 25-25, 30-30 गाय झुंड बैठी थी। उनको हमने इधर खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन गाय इतनी डरी हुई है कि उनको ये डर है कि अब रमन सिंह हमको गौशाला में रख के हमको भी बेमौत मरने के लिए छोड़ देंगे, इसलिए वो भाग गई, हमारे पकड़ में नहीं आई। लेकिन बहुत सारे हमने कोशिश किया और कुछ गाय को यहाँ तक लाए हैं। अभी हम अपने अध्यक्ष जी के निर्देश में सीएम हाउस में इसको छोड़ने जाएंगे। धारा 144 लागू है, उसके बावजूद कैसे आप लोग जाएंगे वहाँ पर? कलेक्टर का परमिशन नहीं है, इसकी परमिशन भी इसके बावजूद भी। धारा लगाना शासन और सरकार का काम है, अपना काम हम अपने अध्यक्ष जी के निर्देश में हम अपना काम करेंगे। अच्छा, कुछ बताया जा रहा है कि कुछ भाजपाई कल लगातार सड़कों पर सड़क कर रहे थे कि गाय कांग्रेसियों को न मिलने पाए, इसके लिए कुछ आप लोग कर रहे थे कि आप पहले से क्यों? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि हम लोग कुछ ना कर पाएं, लेकिन हम उनके बोलने से या उनके करने से हम दबने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। हमारी क्षमता उनसे कहीं अधिक है और हम करके दिखाएंगे। रणनीति क्या है आज की? आप लोग अभी गाय लेके जाएंगे, पुलिस लगी हुई है यहाँ पे भी, काउ कचर भी लगा कर। रणनीति तो हम अपने अध्यक्ष जी का वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद ही रणनीति को मैं बता पाऊंगी। रणनीति अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, नगर निगम कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद नगर निगम काफी सक्रियता दिखा रहा है इसमें?
नगर निगम में रहने से क्या होता है, सरकार तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, नगर निगम को तो ठीक से काम करने भी नहीं दे रही है, इसलिए वो क्योंकि वो विरोधी हैं, भाजपा की विरोधी हैं, इसलिए काम करने नहीं दे रही है, इसलिए हम सब साथ हैं। ठीक है, आप लोग भी जाएंगे, सब लोग एक साथ में साथ में जाएंगे और पूर्जा विरोध करेंगे इसका, भारतीय जनता पार्टी का ये जो नीति है इसका विरोध है हमारा। ठीक, तो ये है छाया वर्मा के नेतृत्व का दल, ये यहाँ से जाएगा और इनका कहना है कि 144 धारा लागू हो गई है तो क्या है? वो शासन का काम है, हम तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो आदेश मिलेगा उसको करके ही रहेंगे। कैमरा पर्सन चरण के साथ मैं अभिनव वर्मा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।